तो आज का हमारा टॉपिक है ACL, जिसका फुल फॉर्म है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है, तो जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, जो फुल फॉर्म मैंने लिखा एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, तो इससे ही आपको पता चल रहा होगा कि कुछ एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए हम कुछ लिस्ट लिखेंगे। इसी तरह का कुछ चीज़ आप समझ सकते हो। तो बेसिकली ACL के बारे में अगर हम बात करते हैं, ये छोटे मोटे कुछ सिक्योरिटी का काम आपका करता है। ठीक है, कुछ रेस्ट्रिक्शन जैसे अलाउ वगैरह करने के लिए, आपके यूजर अलाउ वगैरह, आप क्या कौन से यूजर का आप डेटा के लिए अलाउ करना चाहते हो, कौन से यूजर को अलाउ करना नहीं चाहते हो, तो यूजर बेस्ड आपका कुछ रेस्ट्रिक्शन वगैरह लगाने के लिए, आईपी बेस्ड चीज़ें जो होता है उसी के लिए आप क्या यूज करोगे, आप ACL यूज करोगे। ठीक है, तो बेसिकली ACL के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो ACL आपका क्या करने के लिए यूज होता है, इट यूज टू फिल्टर द ट्रैफिक। तो बेसिकली ट्रैफिक के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास तीन तरह का ट्रैफिक होता है। मैंने आपको बताया, एक आपके पास है कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक, एक डेटा प्लेन ट्रैफिक और एक मैनेजमेंट प्लेन ट्रैफिक आपके पास होता है। तो ट्रैफिक के बारे में जब हम बात करते हैं, तो आपको पता है ट्रैफिक कौन जनरेट करते हैं, आपके एंड यूजर्स ट्रैफिक जनरेट करते हैं, और कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक के बेसिस पे आपके जो राउटिंग डिसीजन लेयर टू, आपके स्विचिंग, जो स्विचिंग डिसीजन लेयर थ्री पे राउटिंग डिसीजन वगैरह होकर आपके ट्रैफिक जो है आगे जाता है। तो बेसिकली आप जब भी राउटिंग या फिर स्विचिंग वगैरह आप कर लेते हो ना, यहाँ पे लेयर थ्री ACL के बारे में हम बात करें, तो राउटिंग के बारे में ही हम बात करेंगे। तो जनरली क्या होता है, जब भी आप कोई राउटिंग वगैरह चला लेते हो, मतलब आपका यूजर यहाँ पे बैठा है और ये आपका एक राउटर लगा है, आगे और एक राउटर लगा है और एक आपके पास यूजर बैठा है, कि इस तरह का हो सकता है आपका सीनारियो बन सकता है। तो इससे आप क्या करते हो, कम्युनिकेशन करने के लिए ये राउटर पे और ये राउटर पे, दोनों पे आप क्या करते हो, आप आईपी एड्रेस वगैरह असाइन करने के बाद आप राउटिंग चला लेते हो, और राउटिंग चलाने के बाद आपका कम्युनिकेशन यहाँ से यहाँ तक, इस यूजर से इस यूजर तक आपका जो कम्युनिकेशन होना चाहिए था वो कम्युनिकेशन आपका बन जाता है। लेकिन उससे क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक जो आपका कम्युनिकेशन है ना, वो टोटल आपका खुलम खुला कम्युनिकेशन बन जाता है। मतलब उसमें कोई आपका रेस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है। इस यूजर के पास जो भी एक्सेस देने के लिए है या फिर जो भी सर्विस चल रहा है, ये यूजर चाहे तो उसे एक्सेस कर सकता है। ये जो दो डिवाइस है ना, ये दो डिवाइस कुछ भी नहीं कर पाते हैं उसके ऊपर। ठीक है, मतलब आपका कोई भी ट्रैफिक हो, किसी भी तरह का ट्रैफिक हो, वो ट्रैफिक आपका आगे चला जाता है। कोई भी यूजर हो, वो ट्रैफिक आपका एक्सेस कर लेता है। लेकिन हो सकता है आपके सिनेरियो में ऐसा कुछ हो सकता है कि ये आपका एक सर्वर बैठा है, तो यहाँ पे और एक यूजर है जिस यूजर को आप नहीं चाहते हो कि ये सर्वर का वो एक्सेस करे। ठीक है, तो उस केस में भी आप देखो, उस यूजर को अगर उस नेटवर्क से आईपी मिल गया, तो आईपी मिलने के बाद ये भी तो इस सर्वर को एक्सेस कर लेगा, कोई भी रेस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है। तो इसी तरह का थोड़े मोड़े छोटे मोटे जैसे आपके पास कुछ दिक्कत थे, उस दिक्कत को मिटिगेट करने के लिए आपके पास कौन से वाला ऑप्शन आया, आपके पास ACL आया, जिसे आप बोलते हो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बेसिकली आपके ट्रैफिक फिल्टर करने के लिए यूज होता है, इसका और भी कुछ काम होता है। तो ये आपका क्या कर सकता है, ठीक है, ये आपका जितने भी तरह का आपके पास ट्रैफिक है, सारे ट्रैफिक को आपका ये मैनेज, मतलब ये फिल्टर कर सकता है, कौन, आपका एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। और इसका भी और एक काम होता है, वी कैन डू इंटरेस्टिंग ट्रैफिक मैच। ठीक है, तो आप चाहो तो एक्सेस लिस्ट को यूज करके आप क्या कर सकते हो, इंटरेस्टिंग ट्रैफिक मैच, मतलब आपको कहीं पे अगर किसी दूसरे सर्विस के ऊपर, जैसे EIGRP हो गया, OSPF हो गया, नाटिंग हो गया, किसी दूसरे सर्विस के ऊपर आपको कोई सबनेट मैच कराना है या फिर किसी भी तरह का ट्रैफिक को आपको मैच कराना है, तो उस केस में भी आप किसका हेल्प ले सकते हो, आप ACL का एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का आप क्या कर सकते हो, आप हेल्प ले सकते हो। बेसिकली ACL के बारे में अगर आप बात करोगे, तो इससे सेट अप परमिट एंड डिनाई स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये आपका क्या होता है, कुछ सेट और परमिट एंड डिनाई स्टेटमेंट आपके होते हैं।
आपके पास कुछ मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगे, ये एक स्टेटमेंट आप मान सकते हो, ये एक स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट, इस तरह का आपके पास कुछ मल्टीपल स्टेटमेंट होंगे। परमिट और डिनाई, आप किसको परमिट करना चाहते हो, आप किसको डिनाई करना चाहते हो। हर एक के लिए आपको, हर एक रूल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक एक्सेस रूल या फिर एक एक आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक एक एक्सेस लाइन या एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एंट्री जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह का आपको कुछ सिक्वेंशियली एक बाय एक आपको लाइन बाय लाइन लिखना पड़ता है। और ये आपका क्या होता है, हमेशा एक्सेस लिस्ट बेसिकली आपका कुछ इसी तरह का, इसको ये टोटल को आप क्या बोलोगे, एक एसीएल आप बोलोगे, इसके अंदर आपके पास कुछ एंट्री आपके पास मिलेंगे। तो ये बेसिकली कुछ सेट ऑफ परमिट एंड डिनाई स्टेटमेंट्स होते हैं। और हमेशा ये क्या किया जाता है, ये हमेशा टॉप टू बॉटम रीड किया जाता है। मतलब अगर आपने ये एसीएल को किसी इंटरफेस पे लगाया, उस पर कोई ट्रैफिक आ रहा है, तो सबसे पहले ये क्या करता है, टॉप टू बॉटम सिक्वेंशियली ये चेक करता है। पहले ये स्टेटमेंट चेक करेगा, इसमें मैच हो रहा है कि नहीं देखेगा, अगर मैच हो गया तो सही है, अगर नहीं हुआ फिर दूसरे वाला को चेक करेगा, फिर तीसरे वाला को चेक करेगा। इस तरह का ये क्या करेगा, कंटिन्यूसली वन बाई वन जो है आपका चेक करता रहेगा, ठीक है। उसके बाद ठीक है, ये क्या करता है आपका, ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको तीन स्टेटमेंट या चार स्टेटमेंट ऐसे आप मान लो, तो इसमें हमने एक डिनाई स्टेटमेंट चलाई, एक परमिट वाला, और दो भी तीन परमिट वाला हमने स्टेटमेंट चलाई, और बाकी एक आपका डिनाई वाला स्टेटमेंट है। ये हमेशा क्या करता है, कुछ भी आप कोई भी ट्रैफिक आपका, ये आपने फास्ट इथरनेट 0x0 या फिर कोई भी इंटरफेस पर आपने लगा लिया, तो ये क्या करता है, इंटरफेस पर ट्रैफिक हिट होते ही ये क्या करता है, सबसे पहले एससीएल अगर आपका लगाए तो एससीएल को चेक कर लेता है। एससीएल को चेक करते टाइम ये क्या करेगा, उस एसीएल के अंदर जो एसीएल आपने लगाया, उस एसीएल के अंदर जो स्टेटमेंट्स आपके पास पड़े हैं, उस स्टेटमेंट को ये चेक करेगा वन बाय वन। अगर वन बाय वन टॉप टू बॉटम ये चेक करेगा, टॉप टू बॉटम चेक करते टाइम अगर सेकेंड वाले पे आपका स्टेटमेंट मैच हो गया, उसके बाद थर्ड और फोर्थ को ये चेक नहीं करता है, ठीक है। जहां पे आपका एसीएल के जो आपके पास स्टेटमेंट्स है ना, जहां पे स्टेटमेंट आपका मैच हो गया ट्रैफिक के साथ, उसी पे वो स्टॉप हो जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग आपने रूल क्या डिफाइन किया है, परमिट या डिनाई, वो चेक करता है, उसी अकॉर्डिंग वो क्या करता है, आपका डिसीजन ले लेता है। मतलब अगर आपने परमिट रखा है तो वो परमिट कर लेगा, और यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट में आपने डिनाई रखा है तो इसका मतलब ये क्या करता है, ट्रैफिक को डिनाई कर देता है, ठीक है। तो आपका बेसिकली क्या होता है, जब भी आप एसीएल, आपने ये एसीएल बनाया और आपने चार स्टेटमेंट लिखा, एक में आपने एक सबनेट को परमिट कर दिया, एक आईपी एड्रेस को आपने परमिट की, दूसरे में आपने एक सबनेट या आईपी एड्रेस को डिनाई कर दी, तीसरी में आपने परमिट की, चौथी में आपने परमिट कर दी, और ये एसीएल को जब आप इतने तक लिख लोगे ना, उसके बाद ऑटोमेटिकली एक इम्प्लिसिट डिनाई ऑल या फिर डिनाई एनी करके एक स्टेटमेंट आपके पास एट द एंड आपका लग जाता है, जिसका मतलब क्या होता है, सारे चीज को आपका डिनाई कर देना। मतलब ऐसा होगा कि अगर आपने चार स्टेटमेंट लिख ली, आपका कोई ट्रैफिक हिट हुआ जो कि पहले स्टेटमेंट में मैच नहीं हुआ, सेकंड में मैच नहीं हुआ, थर्ड में भी मैच नहीं हुआ, फोर्थ में भी आपका मैच नहीं हुआ, तो उस केस में वो ट्रैफिक आपका ऑटोमेटिकली डिनाई हो जाएगा। क्यों डिनाई हो जाएगा, क्योंकि आपके एससीएल के अंदर बाय डिफॉल्ट एट द एंड ऑफ द एससीएल रूल यू विल सी ए डिनाई एनी और इम्प्लिसिट डिनाई जिसे हम बोलते हैं, एवरी टाइम ये ऑटोमेटिकली आपका बन जाता है। और अगर आपके आपके दिमाग में ऐसा है कि आप ये करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो कि ये चारों के बाद अगर कोई ट्रैफिक आपका मैच हो गया तो उसे आप परमिट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक पांचवी स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा परमिट एनी करके, जिससे क्या होगा, जितने भी ट्रैफिक होगा आपका ये परमिट एनी वाला स्टेटमेंट में आपका मैच हो जाएगा, और डिनाई तक आपका कोई ट्रैफिक जाएगा नहीं, और आपका कोई भी ट्रैफिक आपका डिनाई होगा नहीं। तो देखेंगे हम जब इसका प्रैक्टिकल वगैरह करेंगे तो इसका मल्टीपल यूज जो है हम वो यूज करके आपको
दिखाएंगे। और जब भी आप कोई भी स्टेटमेंट बनाने के लिए जाते हो, बाय डिफॉल्ट एचसीएल के अंदर आपका स्टेटमेंट सीक्वेंस नंबर 10 से स्टार्ट होगा, और ये आपका हमेशा 10 के बाद सेकेंड लाइन पे अगर आप कोई सीक्वेंस नंबर डिफाइन नहीं करते तो आपका ये 20 बन जाता है, तीसरी पे आपके पास 30, इस तरह का इंक्रीज बाई 10 आपका ऑटोमेटिकली होता रहेगा। जितने भी एक एचसीएल के अंदर आप जितने भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक एचसीएल बना रहा हूँ एबीसी नाम का एचसीएल, और इसके अंदर मैंने स्टेटमेंट 1 कोई सीक्वेंस नंबर मैंने नहीं दिया तो ये ऑटोमेटिकली 10 हो जाएगा, सेकंड लाइन में जब ऐड करूंगा ये 20 हो जाएगा, थर्ड लाइन आपका 30 हो जाएगा, इस तरह ऑटोमेटिकली आपको कुछ सीक्वेंस नंबर में आपके स्टेटमेंट को असाइन कर दिया जाएगा। और एचसीएल के बारे में अगर हम बात करें तो अभी थोड़ा बात करते हैं कि एचसीएल को हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एचसीएल को इसके मल्टीपल यूजेस है, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे इंटरफेस के ऊपर जो अप्लाई करते हैं ना एचसीएल डायरेक्टली ट्रैफिक को मतलब फिल्टर करने के लिए, हम क्या करते हैं इंटरफेस के ऊपर जो है ना हमारा एचसीएल को अप्लाई कर लेते हैं। तो उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ता है उसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। तो आप अगर किसी इंटरफेस के ऊपर एचसीएल को अप्लाई करने के लिए जा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, एचसीएल को इनबाउंड के हिसाब से आप डायरेक्शन में आप लगा सकते हो या फिर आउटबाउंड डायरेक्शन में लगा सकते हो। इनबाउंड का मतलब आपका क्या है, जब आपका ट्रैफिक आपके इंटरफेस पे हिट होगा ये आपका हो जाएगा इनबाउंड डायरेक्शन, और जब आपका इंटरफेस से ट्रैफिक आउट जाएगा तो वो आपका हो जाएगा आउटबाउंड डायरेक्शन आपका बोला जाता है। आप जब एचसीएल लगाने के लिए किसी इंटरफेस पे जाते हो तो आपके पास लगाने के टाइम आपको दो ऑप्शन आते हैं इन और आउट के लिए। अगर आप इन लगाते हो इसका मतलब आप इनबाउंड एचसीएल कॉन्फ़िगर कर रहे हो, और अगर आप आउट लगा रहे हो तो उस केस में आप क्या कर रहे हो, आप आउटबाउंड एचसीएल जो है कॉन्फ़िगर कर रहे हो। सबसे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं इनबाउंड एचसीएल के बारे में। ठीक है, ये आपका इन डायरेक्शन में हमेशा कॉन्फ़िगर किया जाएगा। और इसमें ऐसा रूल है, अगर आप किसी इंटरफेस पे इनबाउंड पे आपने कर दिया एचसीएल तो इसका मतलब ये हमेशा कोई भी ट्रैफिक सबसे पहले आपके इंटरफेस पे हिट होगा तो ये सबसे पहले आपका क्या करेगा, उस ट्रैफिक को पहले एचसीएल के लिस्ट के हिसाब से वो चेक करेगा, उसके बाद अगर वो ट्रैफिक आपका एचसीएल में परमिट है तो उसके बाद आपका क्या है राउटिंग डिसीजन वगैरह जो भी लेना है, राउटिंग टेबल वगैरह जो आपका चेक किया जाता है वो आपका किया जाएगा। ठीक है, अगर आप इनबाउंड एचसीएल यूज कर रहे हो तो कभी भी उस इंटरफेस पे आपका ट्रैफिक हिट हो गया तो सबसे पहले फास्ट एचसीएल विल बी चेक्ड देन ट्रैफिक डिसीजन। ट्रैफिक डिसीजन में आपका बहुत सारे चीजें आएंगे, जैसे राउटिंग टेबल चेक करना, आर्क टेबल चेक करना, आपके जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सारे चेक करना आपका इसमें आ जाएगा। तो सबसे पहले आपका इनबाउंड में अगर आप करते हो तो सबसे पहले आपका एचसीएल जो है जितने भी लिस्ट आपने एचसीएल लगाया इस इंटरफेस के ऊपर सारे लिस्ट आपका सबसे पहले चेक किया जाएंगे। वो ट्रैफिक अगर आपका परमिट है किसी भी स्टेटमेंट में परमिट में वो मैच हो गया तो उसका मतलब वो परमिट है, फिर उसके बाद आपका ये सेकेंड लाइन जो है ना आपका ट्रैफिक डिसीजन वगैरह जो लेना है उसके बारे में जो भी डिसीजन डिवाइस को लेना है वो ले लेता है। अगर परमिट नहीं है तो सबसे पहले वही एचसीएल के साथ ही वो उसे क्या करता है, डिनाई कर देता है, आगे कोई भी आपका ट्रैफिक डिसीजन के लिए प्रोसेस आपका ट्रैफिक नहीं होता है अगर डिनाई स्टेटमेंट में वो मिल जाता है। और आउटबाउंड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इस केस में ये आपका अप्लाई किया जाता है किसमें, आउट डायरेक्शन में। ठीक है, अगर आप ये वाला इंटरफेस पे आपने आउट डायरेक्शन में अगर आपने लगाया क्या एचसीएल आपने लगाया है आउटबाउंड एचसीएल आपने कॉन्फ़िगर किया है तो इसका मतलब क्या होगा, तो किसी भी इंटरफेस से इसे तो ट्रैफिक रिसीव होगा ना, उसके बाद तो आउट इंटरफेस से आपका ट्रैफिक आगे जाएगा तो आपके डिवाइस सबसे पहले राउटिंग डिसीजन ले लेगा। जो भी आपका काम करना है राउटिंग डिसीजन आर्क टेबल चेक करना सारे काम आपका डिवाइस सबसे पहले कर लेगा। उसके बाद अगर आपके डिवाइस के राउटिंग टेबल में उसे पता चला कि ट्रैफिक को ये वाला इंटरफेस से आगे एग्जिट करना है फिर उसके बाद ये क्या करेगा, आपका एक्सेस लिस्ट जो आपने अप्लाई किया था ना वो एक्सेस लिस्ट को चेक करेगा, करने के बाद अगर एक्सेस लिस्ट में आपका ट्रैफिक जो है परमिट है तो वो आगे भेजेगा, परमिट नहीं है तो वो डिनाई कर देगा या फिर वहीं पर ड्रॉप कर लेगा। ठीक है, जब आप इनबाउंड वाले पे आप बात कर रहे थे तो हमेशा आपका क्या होता था, ट्रैफिक हिट होते ही सबसे पहले एचसीएल की लिस्ट चेक किया जाता था फिर उसके बाद आपका ट्रैफिक प्रोसेसिंग होता था, लेकिन इसमें आउटबाउंड में आपका क्या होगा,
आपका ट्रैफिक प्रोसेसिंग होने के बाद अगर उस इंटरफेस से आपका ट्रैफिक आगे जाना है तो ही आपका क्या होता है, एसईएल लिस्ट जो इंटरफेस पे आपका लगा है वो चेक किया जाता है। आपका सबसे पहले ट्रैफिक डिसीजन, उसके बाद आपका एसईएल चेक किया जाता है। तो ये आपके पास दो दो आपके पास मतलब होते हैं, इनबाउंड और इनबाउंड एसईएल, और आप ऑप्शन आपके पास होते हैं आउटबाउंड के लिए। जब आप एसईएल लगाते हो तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको देखना पड़ता है कि मेरे को इन में लगाना है या आउट में लगाना है, ठीक है। और एसईएल अगर आपके पास बहुत बड़ा लिस्ट है, मतलब आप 1000 लाइन का आपने एसईएल लिखा या फिर बहुत बड़ा लिस्ट है, तो उस केस में एसईएल के लिए आपके डिवाइस का प्रोसेस जो है ना वो भी ज़्यादा आपका यूटिलाइज हो सकता है। क्योंकि अगर आप इन डायरेक्शन में लगा लिए हो तो उस केस में हमेशा जब भी कोई ट्रैफिक उस इंटरफेस पे हिट होगा आपके डिवाइस क्या करेगा, एसईएल लिस्ट को चेक करेगा। और बार बार लिस्ट को चेक करना मतलब आपका क्या है, डिवाइस का यूटिलाइज तो कुछ तो यूटिलाइज में आएगा ना, ठीक है। और एसईएल के टाइप के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपके पास दो टाइप के आपके पास एसईएल है, एक आपके पास है स्टैंडर्ड और आपके पास है एक्सटेंडेड। हाँ, इसके बारे में थोड़ा देखिए, उससे पहले हम थोड़ा क्या करते हैं, कुछ मोड्स के बारे में लिख लेते हैं, मोड्स ऑफ एसीएल, ठीक है। तो आपके पास दो तरह का एसीएल है, एक आपके पास है नंबर्ड मोड एसीएल, सेकेंड आपके पास है नेम्ड एसीएल। ये बेसिकली आपके पास क्या है, ये दो आपके पास ऐसे है कि जब भी आप एसीएल कॉन्फिगर करने के लिए जाओगे कुछ तो नाम एसीएल का रखोगे ना, तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक आपके पास है नंबर, नंबर के बारे में अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ नंबर आपको देना होता है, जैसे 0 to 99 आपका स्टैंडर्ड के लिए, और आपके पास एक होता है 1000 to 1360, ये ऐसा कुछ आपके पास होता है, 1300 to 1999 ये आपके पास होता है स्टैंडर्ड के लिए, और एक्सटेंडेड के लिए आपके पास होता है 100 to 199 तक, फिर उसके बाद 2000 से लेके 2699 तक, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ नंबर्स होते हैं, ये नंबर अगर आप यूज करते हो तो नंबर को यूज करते ही ऑटोमेटिकली आपके डिवाइस जो है वो डिटेक्ट कर लेता है आप स्टैंडर्ड एसीएल बना रहे हो या फिर आप एक्सटेंडेड एसीएल जो है वो बना रहे हो। उसके बाद नेम मोड में अगर आप देखोगे तो नेम मोड में आपका क्या यूज कर देता है, एग्जाम्पल एबीसी, आप कुछ नाम दे दोगे अपने एसीएल को, ठीक है। और नंबर मोड नेम मोड के बारे में अगर आप डिफरेंस थोड़ा देखोगे तो नंबर मोड में और नेम मोड में आपके पास डिफरेंस यही होता है कि नंबर मोड में अगर आप कोई एसीएल बना लेते हो ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो आपने कुछ एसीएल का आपने स्टेटमेंट बनाया, पहले स्टेटमेंट में आपने बनाया परमिट और आपने एक नेटवर्क दे दी 10.1, दूसरी में आपने बनाया डिनाई 20.1, तीसरी में आपने कर दी परमिट एनी, और आपने ये नंबर मोड में आपने बना दिया, ये एसीएल आपका था एसीएल 1, ठीक है, आपने नंबर मोड में बना दिया। बाद में आपको जरूरत पड़ा कि ये जो डिनाई स्टेटमेंट आपने चलाया 20.1, आप इसे हटाना चाहते हो, 20.1 को भी आप परमिट करना चाहते हो, मतलब आप कुछ मॉडिफिकेशन चाहते हो। अगर आप नंबर मोड यूज किए हो, अगर आप इसे हटाने जा रहे हो तो आपका पूरा एसीएल जो है ना ये आपका हट जाएगा, पूरा एसीएल आपका जितने भी लिस्ट आपने लिखा है सारे लिस्ट आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी को नेम मोड में अगर आप रखते हो, मतलब ये एसीएल को आपने रखा था एबीसी के नाम पे, तो उस केस में आप जाके डायरेक्टली सिर्फ इसी एंट्री को आप हटा सकते हो, बाकी आपके जितने भी एंट्री है ना वो एंट्री आपका वैसे ही जैसे है वैसे ही रहेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। तो नंबर मोड और नेम मोड में आपके पास यही डिफरेंस है, आप चाहो तो नंबर मोड भी बना सकते हो, नेम मोड बना सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन डिफरेंस यही है,
नंबर मोड में बाद में अगर आप कोई मॉडिफिकेशन करने के लिए जाते हो तो आपके दिक्कत होता है, लेकिन नेम मोड में मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। आप कोई भी मॉडिफिकेशन चेंजेस वगैरह मतलब कोई भी स्टेटमेंट को आप हटा सकते हो या नया स्टेटमेंट ऐड वगैरह आप कर सकते हो, ठीक है। और स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, तो नंबर मोड में आपको मैंने रेंज दे दिया, ये आपका होता है स्टैंडर्ड के लिए। और नेम के लिए आप कोई भी नाम यूज करते हो कर सकते हो, ठीक है, आप कोई भी नाम जो है यूज कर सकते हो। और इसमें क्या है, अगर आप स्टैंडर्ड एससीएल यूज करते हो तो इस एससीएल में ठीक है, अगर आप स्टैंडर्ड एससीएल यूज करने के लिए जाते हो तो उस केस में क्या है, जो एससीएल का लाइन आप लिस्ट लिखोगे ना उसमें सिर्फ आप क्या कर सकते हो, सोर्स आईपी या फिर सबनेट आप मैच करा सकते हो। मतलब कैसा है, अगर आप एक राउटर के ऊपर आप अगर लगा रहे हो कोई एससीएल आप लगा रहे हो तो उस केस में क्या है, एससीएल आपका बेसिकली एक लेयर 3 टेक्नोलॉजी है आपके पास सिक्योरिटी देने के लिए आपको। ये जब भी कोई फिल्टरिंग वगैरह आपका करता है ना, ये क्या करता है, आपके पास जो लेयर 3 का इन्फॉर्मेशन है मतलब आपका आईपी हेडर में जो आपके पास इन्फॉर्मेशन होते हैं ना स्टैंडर्ड एसएल के लिए मैं बात करता हूँ, उस इन्फॉर्मेशन से हमेशा अगर आप स्टैंडर्ड एसएल बना रहे हो तो ये क्या करता है, सोर्स आईपी को हमेशा चेक करेगा, ठीक है, जो ट्राफिक आपका आ रहा है उसमें से सोर्स आईपी को चेक करेगा। और इसमें भी जो भी आप स्टेटमेंट लिखोगे इसके अंदर आप सिर्फ सोर्स को ही मैच करा सकते हो, ठीक है, कोई डेस्टिनेशन आप नहीं लगा सकते। मतलब आप ऐसा ही लगा सकते हो कि अगर आप चाहते हो कि 10.1 यूजर मेरा 20.1 से बात ना कर पाए, लेकिन आप यहां पे स्टैंडर्ड वाले एसीएल पे ऐसे कोई स्टेटमेंट आप बना नहीं सकते। आप ऐसा बना सकते हो कि 10.1 किसी के साथ भी बात ना कर पाए, पूरे डिनाई, आप 10.1 को आप टोटल डिनाई कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि 10.1 सिर्फ 20.1 से बात ना कर पाए और दूसरे से बात कर पाए, ऐसा कुछ आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर आप सिर्फ सोर्स को मैच करा सकते हो, आप कोई डेस्टिनेशन को मैच नहीं करा सकते। सोर्स में आप चाहो तो एक आईपी को या फिर होस्ट को आप मैच करा सकते हो या फिर पूरे 10 के नेटवर्क को भी आप मैच करा सकते हो, लेकिन सिर्फ सोर्स नेटवर्क को या फिर सोर्स आईपी को आप क्या कर सकते हो, स्टैंडर्ड एसएल के साथ मैच करा सकते हो। और कोई कोई आपको ऐसा बोलते हैं कि स्टैंडर्ड एसएल हमेशा आपका क्या है, डेस्टिनेशन के जितने पास लगाया जाता है रिकमेंडेड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं भी लगा सकते हो, आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और एक्सटेंडेड को बोलते हैं कि जो सोर्स होता है ना नियर टू सोर्स आपको हमेशा कॉन्फिगर करना होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, लेकिन सजेस्टेड है आप जब भी स्टैंडर्ड एसीएल कॉन्फिगर कर रहे हो तो डेस्टिनेशन के नियर टू डेस्टिनेशन आप कॉन्फिगर करो और एक्सटेंडेड एसीएल के लिए नियर टू सोर्स आप कॉन्फिगर करो, ठीक है, नहीं तो आप कहीं पर भी चाहो तो कॉन्फिगर कर सकते हो, ऐसा कुछ भी दिक्कत आपका नहीं होता है। ठीक है, एक्सटेंडेड एससीएल के अगर हम नंबर के बारे में बात करते हैं तो ये आपका 100 टू लेके 199 देन 2000 से लेके 2699 तक आप नंबर ले सकते हो, और नेम में आप कोई भी नाम ले सकते हो, ठीक है। और इसमें आपका डिफरेंस यही है, इट कैन मैच बोथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन, सोर्स एंड डेस्टिनेशन, आईपी, सबनेट एंड पोर्ट ऑल्सो। आप चाहो तो एक्सटेंडेड एससीएल को यूज करके आप पोर्ट बेसिस पे भी फिल्टरिंग आप करा सकते हो, ठीक है। तो डिफरेंस इसमें आपका क्या आएगा, आप देखो जब स्टैंडर्ड के बारे में मैं बात कर रहा था ना तो आप ऐसा कर रहे थे कि आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि 10 का यूजर आपका स्टैंडर्ड में यही पॉसिबल है कि ये एक यूजर आपका 10.1 है और ये आपका राउटर है, इस राउटर के पूरा ऊपर आप लगा रहे हो, ये आगे आपका कोई भी नेटवर्क इंटरनेट कुछ भी हो सकता है, आप यही चाहते हो कि 10.1 और यहाँ पे 10.2 दो डिवाइस आपके पास लगे हैं, तो आप चाहते हो कि 10.1 किसी से भी कम्युनिकेशन ना करे, 10.2 किसी से भी कम्युनिकेशन कर ले, तो उस केस में आप स्टैंडर्ड एसीएल लगा सकते हो, लेकिन ये कम्युनिकेशन किसी भी तरह का कम्युनिकेशन आपका हो सकता है, इसमें कोई पोर्ट वगैरह आप डिफाइन नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप यही कर सकते हो कि आप चाहो तो क्या कर सकते हो, एक एक होस्ट को आप मैच करके, सोर्स वाला जो होस्ट आपका होता है वो मैच करके आप डिनाई स्टेटमेंट डाल सकते हो, परमिट स्टेटमेंट डाल सकते हो, या फिर
कोई नेटवर्क को डायरेक्ट सबनेट को मैच करके आप क्या कर सकते हो, परमिट स्टेटमेंट या फिर डिनाई स्टेटमेंट आप लगा सकते हो। लेकिन एक्सटेंडेड के बारे में अगर आप बात करते हो तो आप ऐसा कर सकते हो कि ये आपका राउटर था, ये 10.1 आपका ये यूजर था, आप चाहते हो कि आगे एक आपके पास सर्वर है, ये आपको एफटीपी का भी सर्विस दे रहा है, एचटीटीपी का भी सर्विस दे रहा है, आपका एसएमटीपी का भी सर्विस दे रहा है, बहुत सारे सर्विस आपको दे रहा है। लेकिन आप नहीं चाहते हो, यहाँ पे आप एससीएल कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो या फिर यहाँ पे कोई भी आप कर रहे हो, आप चाहते हो, नहीं चाहते हो कि 10.1 सिर्फ जो आपका एफटीपी है ना उससे एक्सेस ना कर पाए, बाकी सारे को एक्सेस करे, तो आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हो। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट यहाँ पे, और अगर आपके पास और एक सर्वर है, ये सर्वर आपका 8.8 है और एक मान लो 4.4 है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप स्टेटमेंट ऐसे लिख सकते हो कि 10.1 आपका 4.4 से कम्युनिकेट ना करे, 8.8 से कम्युनिकेट करे, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ क्या क्यों, क्योंकि एक्सटेंडेड एससीएल में आप सोर्स एंड डेस्टिनेशन दोनों को मैच करा सकते हो, सोर्स आईपी हो या फिर सबनेट हो आप मैच करा सकते हो, डेस्टिनेशन में भी आईपी सबनेट बहुत मैच करा सकते हो। उसके साथ साथ आप सर्विस बेस पे भी कर सकते हो, मतलब आप नहीं चाहते हो कि 10.1 8.8 से सिर्फ एफटीपी एक्सेस ना कर पाए और बाकी सारे चीज एक्सेस करे, तो आप ऐसा भी सर्विस बेस पे भी आप सारे चीज जो है वो भी आप फिल्टरिंग जो है कर सकते हो या फिर मैचअप कर सकते हो। तो इसको थोड़ा प्रैक्टिकल वगैरह दिखाने के लिए मैंने ऑलरेडी एक टॉपोलॉजी बनाया है जिसमें एससीएल वगैरह मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं की, ठीक है। तो इसमें बस ये एक राउटर है आपके पास और ये एक लान एरिया है और ये एक लान एरिया है, तो हम बेसिकली जो प्रैक्टिस करेंगे तो ये 10.2 पीसी है, ये 10.3 पीसी है, ये 20.2 पीसी है, ये 20.3 पीसी मैंने ऑलरेडी लगा के आपको यहाँ पे रखा है। तो हम जब भी एससीएल अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एससीएल को क्रिएट करना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले प्रैक्टिकल आपको थोड़ा स्टैंडर्ड एससीएल के लिए आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एससीएल के लिए आप ये कमांड चलाओगे एक्सेस लिस्ट, उसके बाद अगर आप क्वेश्चन मार्क दे दोगे आपको देखो दो ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है, हालांकि दूसरे नंबर आपको ये पैकेट रसर है इसलिए बाकी नंबर्स आपको नहीं दिख रहे हैं, और नेम मोड भी आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, नेम मोड तो एटलीस्ट ये दिखा देना चाहिए। हाँ, इसमें आपका नेम मोड दिखाएगा, ठीक है। तो एक्सेस लिस्ट के बाद यहाँ पे आपको देखो, आप अगर स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट बना रहे हो तो इसमें से कोई एक नंबर आप चूज करो, अगर आप एक्सटेंडेड एसीएल बना रहे हो तो उसमें से इसमें से कोई एक नंबर आप चूज करो। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड और नंबर एसीएल हम बना के देखेंगे। तो एक्सेस लिस्ट नंबर मैंने 1 ले लिया, उसके बाद अगर आप क्वेश्चन लगाओगे तो ये आपको रूल मांग रहा है, मतलब आप क्या करना चाहते हो, ठीक है, आप डिनाई करना चाहते हो या फिर आप परमिट करना चाहते हो। तो ये रिमार्क का ऑप्शन आपका कुछ मतलब कमेंट वगैरह ऐड करने के लिए होता है, मतलब अगर आपको फ्यूचर में उस एक्सेस लिस्ट को क्यों आपने लिखा था, कुछ पहचान बनाने के लिए एक वर्ड आप लिखना चाहते हो तो उस केस में आप लिख सकते हो। लेकिन ये आपका डिनाई और परमिट दोनों को आप यूज कर सकते हो, आप डिनाई करना चाहते हो या परमिट करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो आपका 10.. इसका आईपी है आपका 10.2 है, ठीक है। तो 10.2 अभी के लिए अगर आप देखोगे 20.2 से ये क्या कर रहा है, आपका कम्युनिकेशन कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं 10.2 किसी से कम्युनिकेट ना कर पाए, ठीक है, मतलब यहां के 20 के कोई यूजर के साथ ये कम्युनिकेट ना कर पाए। तो मैं क्या करूंगा, एक्सेस लिस्ट 1 डिनाई के बाद अगर मैं देखूंगा तो आप देख लो यहां पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है, आप कोई एड्रेस को एग्जैक्टली कोई एड्रेस अगर सोर्स को आप मैच कराना चाहते हो तो यहां पे आप उस आईपी उस डिवाइस का डायरेक्ट आईपी दे सकते हो। तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, 10.0.0.2 डिवाइस का जो आईपी है, यहाँ पे सोर्स मैच कर रहे हो, जो डिवाइस को मैं नहीं चाहता हूँ किसी के साथ कम्युनिकेट करे उसका आईपी मैं डायरेक्ट दे सकता हूँ, या फिर ये आपका सबनेट के लिए, सॉरी आपका आईपी नहीं, ये आपका सबनेट के लिए, उसके बाद आपको वाइल्ड कार्ड बिट जो है ना वो मांगेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, डिनाई होस्ट वाला कमांड चला के मैं डायरेक्ट उसका आईपी दे सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आप देखो कैरेज रिटर्न का नहीं नहीं ये मैं लगाऊंगा 10. सोर्स मेरा बनेगा 10.2, ठीक है। अच्छा जी, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली उस आईपी को अगर मैं मैच कराना चाहता हूँ तो मैं एक काम कर सकता हूँ, उस आईपी को डायरेक्ट मैच करा सकता हूँ। और देखो अभी के लिए अगर मैं आपको 100 एक्सेस लिस्ट करा दूं, 100 एक्सेस लिस्ट और 1 अगर मैं आपको करा दूं तो आप देख लो इसमें आपको दिख रहा है डिनाई होस्ट 10.0.0.2, ये पूरा आपको आउटपुट नहीं दिखा रहा है, शायद पैकेट ट्रेसर है इसलिए आपको नहीं दिखा रहा है। लेकिन आप इतना याद रखना कि एक स्टेटमेंट के अंदर उसने क्या कर दिया, 10.0.0.2 को एक्सेस करने से मना कर दिया,
उसके बाद भी आपका जितना आईपी होंगे ना वो भी आपका एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके एंड में ऑटोमेटिकली आपका एक लग जाता है डिनाई परमिट, सॉरी डिनाई एनी का एक स्टेटमेंट आपका ऑटोमेटिकली लग जाता है, जिसके वजह से आपको दिक्कत होता है, कोई भी डिवाइस आपका एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ठीक है, सबसे पहले हम इसी को अप्लाई करके देखते हैं क्या दिक्कत आ रहा है, फिर उसके बाद हम देखेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, एक्सेस लिस्ट वन हमने लिया था ना, तो फिर उसके बाद एक स्टेटमेंट में डालता हूँ परमिट एनी, मैं सबको उसके बाद परमिट करा देता हूँ। ठीक है, मैंने और एक स्टेटमेंट दे दी उसके बाद परमिट करने के लिए, क्योंकि दूसरे यूजर को मैं कम्युनिकेट कराने के लिए चाहता हूँ। तो अभी के लिए मेरा एक्सेस लिस्ट जो है ना वो एक्सेस लिस्ट मेरा बन गया, मैंने एक्सेस लिस्ट को कॉन्फिगर कर लिया। कमांड जो मैंने लिखा ना वो तो आपको बार बार भी दिखेगा, आप लिख सकते हो नेक्स्ट वाले पे। तो मैंने अभी के लिए एक्सेस लिस्ट जो रूल मेरा बनाना था वो रूल मैंने बना लिया, एक्सेस लिस्ट का नंबर मैंने वन ले लिया, तो ये मेरा एससीएल बन गया। उसके अंदर मैंने दो स्टेटमेंट डाली, या फिर एक्सेस कंट्रोल एंट्री जिसे हम बोलते हैं, मैंने दो एंट्री यहाँ पे लगा दी। पहले वाला एंट्री पे मैंने 10.0.0.2 को डिनाई कर दी, सेकेंड वाला एंट्री पे मैंने बाकी सारे को परमिट कर दी। अभी के लिए ऐसा होगा कि 10.0.0.2 अगर कोई ट्रैफिक भेजेगा तो पहले वाला स्टेटमेंट पे ये मैच हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमने रूल सेट किया है डिनाई करने के लिए एक्शन, तो वो डिनाई हो जाएगा। और दूसरा अगर 10.0.0.3 अगर कोशिश कर रहा है तो ये क्या होगा, पहले वाला स्टेटमेंट में मैच नहीं होगा, सेकेंड स्टेटमेंट में परमिट एनी है, मतलब आपका सारे आईपी मैच होंगे, तो वो मैच हो जाएगा, तो उसके लिए हमारा परमिट है। अभी के लिए हमारा एक्सेस लिस्ट जो है ना वो हमारा बन गया। अभी हमें क्या करना है, इस एक्सेस लिस्ट को अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के टाइम हमारे पास दो ऑप्शन है, एक इनबाउंड एक आउटबाउंड है। इनबाउंड का मतलब ये जो 10.2 यूजर मेरा इस साइड में है, तो इनबाउंड में इसके लिए अगर मैं कोई स्टैंडर्ड एसीएल लगाऊंगा तो इन के डायरेक्शन में मैं चाहूं तो फास्ट इथरनेट 0/0 पे लगा सकता हूं, या फिर आउट के डायरेक्शन में फास्ट इथरनेट 0/1 पे मैं लगा सकता हूं। अरे वो पेन कहां गया, हाँ। आपका ऐसा होगा, ये मेरे पास राउटर है, ये मेरा फास्ट इथरनेट 0/0 है, ये फास्ट इथरनेट 0/1 है, 10.2 यूजर मेरा यहां पे बैठा है इस तरफ, तो मैं चाहूं तो इसमें क्या कर सकता हूं, इन डायरेक्शन में लगा सकता हूं। तो इससे क्या होगा, जब भी 10.2 आपका ट्रैफिक भेजेगा सबसे पहले ये एक्सेस लिस्ट से चेक करेगा, अगर परमिट है तो परमिट करेगा, डिनाई है तो डिनाई कर देगा। नहीं तो और एक ऑप्शन मेरे पास है, मैं यहां पे आउट में लगा सकता हूं। तो इससे क्या होगा, ये जब भी 10.2 ट्रैफिक इसके पास भेज देगा ये ट्रैफिक को चेक कर लेगा, चेक करने के बाद देखेगा राउटिंग टेबल वगैरह चेक करेगा, और उसके बाद इसे पता चलेगा कि फास्ट इथरनेट 0/1 से एग्जिट करेगा। डेटा एग्जिट करने का टाइम क्या होगा, आपका एससीएल चेक किया जाएगा, और एससीएल में ये अगर परमिट है तो आगे ट्रैफिक जाएगा, डिनाई है तो आपका ट्रैफिक जो है यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इन वाले स्टेटमेंट में लगा देता हूँ फास्ट इथरनेट 0/0 पे। तो इसके लिए मेरे को इंटरफेस के अंदर जाना पड़ेगा, फास्ट इथरनेट 0/0, और मेरे पास एक कमांड होता है आईपी एक्सेस ग्रुप करके। ठीक है, आईपी एक्सेस ग्रुप पे, ग्रुप के बाद अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मांग रहा है, कोई एक्सेस लिस्ट अगर आपने मतलब बना के रखा है तो उसका नंबर अगर है तो नंबर दे दो, या फिर उसका नाम है तो नाम दे दो। तो हमने तो नंबर वाला बनाया ना तो एक्सेस लिस्ट का नंबर जो हमारा 1 था मैंने 1 दे दी। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो ये बता रहा है आप कौन से डायरेक्शन में लगाओगे, इनबाउंड डायरेक्शन या आउटबाउंड में आप लगाओगे। तो यहाँ पे फास्ट इथरनेट 0/0 पे हमें रूल के हिसाब से इनबाउंड पे ही लगाएंगे, क्योंकि यही से हमारा ट्रैफिक रिसीव होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इन डायरेक्शन में मैंने लगा दिया, तो आपका एसीएल जो है इंटरफेस पे अभी के लिए अप्लाई हो गया। तो एक बार हम चेक करते हैं कि आपका जो कम्युनिकेशन हो रहा था वो कम्युनिकेशन अभी के लिए है कि नहीं। ठीक है, तो एसीएल के वजह से आपका अगर कोई भी एंट्री में अगर डिनाई मिल गया, या फिर कोई भी एंट्री के साथ आपका ट्रैफिक मैच नहीं हुआ, तो उस केस में आपको पिंग में आउटपुट आपको डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल देखने को मिलेगा। अभी दूसरे डिवाइस ये आपका है 10.3, इससे एक बार हम 20.2 को पिंग करके देखते हैं, यहां से आपका पिंग सक्सेसफुली हो रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, यहां पे और एक हम एसीएल बनाते हैं, और आपका रूल ऐसा है कि किसी भी इंटरफेस के ऊपर आप इन या फिर आउट के डायरेक्शन में एक ही एसीएल आप लगा सकते हो। इन में चाहो तो आप एक लगा सकते हो, आउट में चाहो तो आप एक लगा सकते हो। ठीक है, मैक्स टू मैक्स आप दो लगा सकते हो, लेकिन इन में दो नहीं, एक इन का एक आउट का आप ऐसा लगा सकते हो। तो इन में आप एक लगा सकते हो, आउट बाउंड का भी आप एक ही लगा सकते हो, एक से ज्यादा आप एसीएल कॉन्फिगर नहीं कर सकते। तो मैं क्या करूंगा, एक दूसरा एसीएल में बनाऊंगा, तो उसके लिए मैं अगर इसी इन में उस दूसरा एसीएल को अगर मेरे को कॉन्फ़िगर करना है तो मेरे को सबसे पहले ये वाला एसीएल को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, नो आईपी एक्सेस ग्रुप वन, अच्छा ठीक है, मैंने ये एसीएल को इंटरफेस से हटा दी, लेकिन अभी के लिए मेरा एसीएल कॉन्फ़िगर है, लेकिन कहीं पे अप्लाई नहीं है, मतलब इसका कोई आपका इफेक्ट नहीं होता है।
जब तक आप एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बना लेते हो और उसे आप अप्लाई नहीं करते हो कहीं पे, तब तक उस एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का आपका कोई भी यूज नहीं होता है। तो मैंने ये एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को इंटरफेस से हटा दी। अभी मैं एक नया एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बनाऊंगा नेम के साथ, आईपी एक्सेस लिस्ट, मैंने नेम ले ली, सॉरी स्टैंडर्ड का हम लेंगे, तो स्टैंडर्ड का मैंने एबीसी करके एक नाम ले ली, ठीक है। अभी नेम के अंदर आप जब भी कोई, अभी अभी मेरे लिए मैंने क्या किया, एबीसी नाम का एक एक्सेस लिस्ट ऑलरेडी मैंने कॉन्फिगर कर लिया, ये एक्सेस लिस्ट आपका बन गया। अभी इसके अंदर दूसरा काम मेरा क्या है, स्टेटमेंट्स डालना। तो सबसे पहले स्टेटमेंट में मैं अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाओ तो आपको सीक्वेंस नंबर मांगेगा। आप चाहो तो सीक्वेंस नंबर दे सकते हो, आप नहीं चाहो तो सीक्वेंस नंबर नहीं दे सकते। आप डायरेक्ट डिनाई या फिर परमिट स्टेटमेंट आप ले सकते हो। अगर आप डायरेक्ट डिनाई या फिर परमिट स्टेटमेंट यूज कर लेते हो तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में आपका जो है ना, यहाँ पे आउटपुट में आपने देखा होगा, तो ये आपका ऑटोमेटिकली सिक्वेंस नंबर 10, 20 इस तरह का इंक्रीमेंट बाई 10 में आपका हो जाता है। आप चाहो तो किसी दूसरे नंबर के साथ भी आप स्टेटमेंट दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक सिक्वेंस नंबर 1 दे देता हूँ, 1 सिक्वेंस नंबर से मैं चालू करता हूँ। उसके बाद फिर आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो आपको परमिट या फिर डिनाई के लिए ये ऑप्शन मांग रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डिनाई में जाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, 10 की पूरी नेटवर्क को डिनाई कर देता हूँ। तो इसके लिए मैं पूरे 10 की जो नेटवर्क है ना आपके पास, मैं उसको डिनाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको वाइल्ड कार्ड मास्क की जरूरत है, तो 255.0.0.0 का वाइल्ड कार्ड मास्क आपका होगा 0.255.255। तो मैंने यहाँ पे पूरे 10 की नेटवर्क को जो है डिनाई कर दी और ये मेरा एक्सेस लिस्ट बन गया। उसके बाद आपका कोई परमिट हो या ना हो, क्योंकि दूसरा नेटवर्क हमारे पास नहीं है, आप चाहो तो परमिट एनी का कमांड चला सकते हो, नहीं तो आपका बाय डिफॉल्ट सारे भी आपका डिनाई हो जाएंगे, डिनाई एनी आपका ऑटोमेटिकली चल जाता है। तो अगर आप 200 एक्सेस लिस्ट चलाओगे तो ये पहले वाला हमने बनाया था, ये चार मैच या ये जो मैच का ऑप्शन आपका दिखा रहा है ना, ये आपका ट्रैफिक जब मैच हुए था, आपने पिंग पैकेट भेजा था ना, चार यहाँ पे मैच हुए थे डिनाई होते, और दूसरे डिवाइस से जब आप पिंग भेजे तो यहाँ पे 100 एक्सेस लिस्ट में आपको दिखा देता है आपके ट्रैफिक मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये वाला SCL हमने कहीं पे अप्लाई नहीं किया, कोई भी ट्रैफिक आपका हिट नहीं हुआ, इसलिए आपको कोई मैचेस नहीं दिखा रहा है। तो इस ABC वाले को हम क्या करते हैं, अभी इंटरफेस फास्ट इथरनेट, अभी फास्ट इथरनेट 0/1 पे हम आउट में लगाते हैं, एक बार इन पे हमने लगाया था, हम आउट पे सेम SCL को लगाते हैं, एक्सेस ग्रुप और ABC आउट, ठीक है, हमने अभी आउट में लगा दी। आउट में कहाँ पे हमने लगाई, हमने यहाँ पे लगा दी, अभी सबसे पहले हमने यहाँ पे लगाया था, अभी हमने यहाँ पे लगा दी, ठीक है। एक बार हम क्या करते हैं, ट्रैफिक जो आपका जहां से जा रहा था वहां से एक बार ट्रैफिक भेज के देखते हैं। आप देख लो यहां से भी आपको डेस्टिनेशन अनरीचेबल आ रहा है, यहां से भी अगर आप देखोगे आपको डेस्टिनेशन अनरीचेबल आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने पूरे 10 की नेटवर्क को हमने क्या किया है, डिनाई करके रख दी। और यहां पे अगर आप देखोगे तो 100 एक्सेस लिस्ट आप एक बार कर लेना तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कितने मैचेस हुए हैं। दो डिवाइस से हमने चार चार पिंग के पैकेट भेजे हैं और ये स्टेटमेंट के साथ उसने मैच कर दिया। मैच होने के बाद जितने भी मैच हुए हैं ये यहाँ पे आपको काउंटर भी दिखा रहा है कि इतने मैचेस आपके पास हुए हैं। तो इसमें बस बेसिकली आप चाहो तो स्टैंडर्ड SCL में आप क्या कर सकते हो, सिर्फ सोर्स को मैच करा सकते हो, ठीक है, लेकिन आप डेस्टिनेशन वगैरह कुछ भी मैच नहीं करा सकते, आपके पास सर्विस वगैरह मैच करने के लिए भी कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। अब थोड़ा हम बात करते हैं क्या करते हैं, थोड़ा एक्सटेंडेड SCL के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, SCL को पहले हटा देता हूँ। ठीक है, ABC को हमने हटा दी, कम्युनिकेशन भी एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, आपका कम्युनिकेशन आ गया है। अभी के लिए हम क्या करेंगे, एक्सटेंडेड SCL एक हम बनाएंगे। तो एक्सटेंडेड SCL के लिए आप ये कमांड चाहो तो ऐसे भी आप चला सकते हो, कोई नंबर अगर आप बनाना चाहते हो तो नंबर भी आप बना सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो नेम वाला भी बना सकते हो। तो हम एक नेम का बना लेते हैं एक्सटेंडेड, उसके बाद मैं नेम दे देता हूँ Cisco। ठीक है, हमारा SCL जो है एक्सटेंडेड SCL Cisco नाम का ये बन गया। अभी हमें क्या करना है, एंट्री डालना है, यहाँ पे भी आपको सेम ऑप्शन दिखेंगे, आप सिक्वेंस नंबर के साथ आप चाहो तो डाल सकते हो, आप दूसरे वाले SCL में आप देख लेना जो भी सीक्वेंस नंबर आपने डाला था ना, ये सीक्वेंस नंबर आपका आ गया। तो आप चाहो तो इसमें सीक्वेंस नंबर डाल सकते हो या बाय डिफॉल्ट सीक्वेंस नंबर अगर आप रखना चाहते हो तो उस केस में भी आप कर सकते हो। तो मैं चाहता हूं कि जो 10.2 है ना वो 20.2 के साथ कम्युनिकेशन ना कर पाए और बाकी किसी से भी कम्युनिकेशन कर पाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, डिनाई, उसके बाद अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पे मेरे को डिनाई IP करना है। ठीक है, तो IP बेस्ड सर्विस जो है ना उसके ऊपर मैं SCL लगाने के लिए जा रहा हूँ। आप चाहो तो TCP बेस्ड सर्विस के लिए भी आप लगा सकते हो, OSPF बेस्ड सर्विस के लिए, EIGRP के लिए, कुछ भी के लिए आप लगा सकते हो,
लेकिन अगर आप डेटा को जो है ना फिल्टर करना चाहते हो, तो लेयर थ्री के बेस पे हम आईपी प्रोटोकॉल यूज करते हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, आईपी को मैच करना पड़ता है। तो मैंने डिनाई आईपी दे दी, उसके बाद अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो सेम ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक ही आईपी के लिए मैं रूल सेट करना चाहता हूँ, तो डिनाई आईपी होस्ट मैंने दे दिया, उसके बाद मैं होस्ट का आईपी दे देता हूँ 10.0.0.2। ये मेरा अभी के लिए सोर्स बनेगा। सबसे पहले मैं सोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लिखूंगा, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, फिर होस्ट मेरा डेस्टिनेशन में कौन होगा, 20.20.2। ठीक है, उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे डीएचसीपी वगैरह, ये आपका क्यूओएस सर्विस वगैरह के लिए आपको ऑप्शन ये दिखा रहा है। ठीक है, तो इसमें मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को बस यही करना है अभी सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैच करना है। सोर्स आईपी मैंने दे दी 10.0.0.2 और डेस्टिनेशन मैंने दे दी 20.0.0.2। अभी के लिए क्या होगा, मेरा यही है कि 10.0.0.2 अगर 20.0.0.2 से कम्युनिकेशन करने की कोशिश करे तो कम्युनिकेशन ना हो। उसके बाद आपको पता है ये एक स्टेटमेंट मैंने चलाया तो बाकी दूसरी स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली अगर कुछ मैं नहीं चलाता हूँ तो परमिट सॉरी डिनाई एनी आपका हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, परमिट आईपी एनी एनी आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं आईपी को और बाकी सारे डिवाइस के लिए आईपी के सर्विस में परमिट करना चाहता हूँ, सोर्स कोई भी हो डेस्टिनेशन कोई भी हो। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारा एक्सटेंडेड एचसीएल बन गया है। ठीक है, पहले वाला स्टेटमेंट में हमने सोर्स और डेस्टिनेशन मैच किया था, सेकंड वाले स्टेटमेंट में हमने सबको परमिट करा दी। एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं, इसका आईपी है 10 डॉट, तो इससे 10.0.0.2 है, इससे मैं एक बार पिंग करता। अच्छा सॉरी, हमने एचसीएल तो बना दी लेकिन इसको कहीं पे हमने अलाउ मतलब अप्लाई नहीं की, हमें अप्लाई भी करना पड़ेगा ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे इन डायरेक्शन में लगा देता हूँ, आईपी एक्सेस ग्रो सिस्को इन पे मैंने लगा दिया। यहां से देखो कम्युनिकेशन इसका नहीं हो रहा है, 20.0.0.2 से नहीं हो रहा है। मैं काम करता हूँ 20.0.0.3 से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो 20.0.0.3 पे आपका कम्युनिकेशन हो रहा है। ये वाले डिवाइस से एक बार हम कोशिश कर लेते हैं 20.0.0.2 से कम्युनिकेट करने की। तो यहाँ से आपका 20.0.0.2 आपका कम्युनिकेट हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो सोर्स और डेस्टिनेशन हमने अप्लाई किया था, ये सोर्स और डेस्टिनेशन मेरा काम कर रहा है। अगर 100 एक्सेस लिस्ट अगर हम करते हैं तो आपको यहाँ पे मैच दिख जाएगा, आप देख लेना। पहले वाला स्टेटमेंट में जो आपका डिनाई हो रहा था, जब आप 10.2 से आप 20.2 पे कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे थे, चार पिंग पैकेट इसने भेजा था, सारे पे डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा था, इसलिए आपका ये क्यों आ रहा था, क्योंकि ये डिनाई स्टेटमेंट के साथ वो आपका ट्रैफिक मैच हो रहा था इसलिए। और सेकेंड वाला स्टेटमेंट में आपका सारे ट्रैफिक मैच है, इसलिए आपका सेकेंड वाले ट्रैफिक के दो कम्युनिकेशन और आपने करके देखा था, चार चार पिंग पैकेट भेज के, इसलिए आपको 8 मैचेस दिखा रहे हैं। और इसमें हम चाहो तो क्या कर सकते हैं, कुछ सर्विसेस बेस पे ना हम वो भी कर सकते हैं। तो सर्विसेज के लिए काम करता हूँ, मैं एक सर्वर लगा देता हूँ, और इस सर्वर को मैं आईपी दे देता हूँ 20.0.0.20, डिफॉल्ट गेटवे 20.0.0.1। ठीक है, और इस पे कुछ सर्विसेस हम एनेबल कर लेते हैं। ये आपका एचटीटीपी का सर्विस ऑलरेडी ऑन है, इसमें डीएनएस भी हम एनेबल कर लेते हैं। ठीक है, और डीएनएस का एक एंट्री भी हम डाल देते हैं, abc.com, आईपी हम दे देते हैं 20.0.0.20, इसी का आईपी दे देते हैं। ओके, तो ये एक एंट्री हमने डाल दी। उसके बाद टेलनेट वगैरह के लिए ये नहीं दे रहा है ना, ठीक है छोड़ो, हमें दो ही सर्विस को हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। अभी के लिए हम यहाँ से एक बार टेस्ट करते हैं 20.0.0.2 का आईपी कॉन्फ़िगरेशन। इसमें मैं डीएनएस सर्वर 20.0.0.20 को दे देता हूँ, क्योंकि उसी पे हमने सर्वर बनाया ना। तो यहाँ से एक बार हम कोशिश कर लेते हैं एक एचटीटीपी ट्रैफिक भेज के 20.0.0.20 पे। ठीक है, ये आपका रेस्पॉन्स आ रहा है अभी के लिए। ठीक है, आपको कैसे, आपका डीएनएस और एचटीटीपी दोनों आपका काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं आपका, इसलिए क्योंकि आप सॉरी यहाँ पे आपका एचटीटीपी सिर्फ काम कर रहा है। हम एक बार abc.com को भी खोल के देखते हैं,
ठीक है, एबीसी डॉट कॉम भी आपका काम कर रहा है, इसीलिए हमें मतलब क्लैरिफिकेशन एक मिल गया कि हमारा वेब मतलब HTTP का सर्विस और DNS सर्विस दोनों काम कर रहे हैं, किसके साथ, 20.0.0.20 IP के साथ। तो अब के लिए मैं यहाँ पे एक SCL बनाऊंगा और उस SCL में मैं क्या करूँगा, इस IP को 10.0.0.2 को मैं रेस्ट्रिक्ट कर दूंगा, क्या यूज करने के लिए, DNS यूज करने के लिए, लेकिन HTTP में परमिट कराऊंगा। ठीक है, अभी सर्विस बेस्ड SCL हम थोड़ा लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो SCL हमने लगाया है ये लगने देते हैं, ठीक है, ये तो लगा है, इसी SCL पे हम कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। तो इसी SCL में अगर हम कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो इस SCL का जो नाम है ना, इस SCL के अंदर जाना पड़ेगा, IP एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड सिस्को। आप अगर कोई स्टेटमेंट हटाना चाहते हो, मतलब मैं 10 का स्टेटमेंट हटाना चाहता हूं, तो आप सिर्फ इसके अंदर 9-10 कर सकते हो, आप देख लेना वो स्टेटमेंट आपका हट गया। फिर अगर मैं 9-20 करता हूं तो आप देख लेना 20 वाला स्टेटमेंट आपका हट जाए, मतलब जो SCL आपका बना है उसका सिर्फ सीक्वेंस नंबर आपको यहां पे एंट्री करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद मैं कुछ नया SCL इसके अंदर ऐड करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ HTTP को परमिट करूंगा और कुछ भी परमिट नहीं करूंगा। तो परमिट, तो HTTP को परमिट करने के लिए TCP सोर्स एड्रेस में लगाता हूं 10.0.0.2 होस्ट हम ले लेते हैं 10.0.0.2, डेस्टिनेशन भी हम होस्ट ले लेते हैं 20.0.0.20, क्योंकि हमारा सर्वर 20.0.0.20 है ना। इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, EQ आपका इक्वल की तरह काम करता है, आप कौन सा पोर्ट नंबर के साथ मैच करना चाहते हो EQ देके आप मैच करा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे GTLT आपका लेस देन ग्रेटर देन के हिसाब से आपका काम करता है, और रेंज आप चाहो तो कुछ पोर्ट नंबर का रेंज आप दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, EQ कर देंगे। तो हम परमिट स्टेटमेंट चला रहे हैं, तो परमिट का मतलब आपका यही है कि हम 80 वाला पोर्ट जो है ना HTTP सर्विस के लिए जो है हम सिर्फ परमिट कर रहे हैं और किसी को हम परमिट नहीं कर रहे हैं 10.2 के लिए। और उसके बाद मैं एक स्टेटमेंट चलाऊंगा डिनाई IP होस्ट 10.0.0.2 डेस्टिनेशन एनी। तो दूसरी स्टेटमेंट में मैंने क्या कर दी, इस 10.0.0.2 IP के लिए और कोई भी वो कम्युनिकेशन करने की कोशिश करे तो कम्युनिकेशन ना हो, चाहे पिंग का पैकेट भेजे चाहे कुछ भी भेजे, वो आपका कम्युनिकेशन ना हो, इसके लिए मैंने क्या किया, डिनाई कर दी दूसरी स्टेटमेंट में। और तीसरी स्टेटमेंट में मैं क्या करूंगा, परमिट IP एनी, मतलब और कोई कुछ भी कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा है दूसरा IP, तो उसका कम्युनिकेशन हो जाए। मेरा स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट मैंने लिखा, मैंने क्या क्या लिखा, सबसे पहले स्टेटमेंट पे मैंने इस IP के लिए सोर्स रखा, अगर ये सिर्फ उसी के इसी के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, कौन सी सर्विस के लिए, WWW या फिर HTTP सर्विस के लिए ये एक्सेस कर सकता है और कुछ भी नहीं, पिंग ट्रेस रूट आपका मानो वो टेलनेट SSH DNS कुछ भी यूज नहीं कर सकता। दूसरी स्टेटमेंट में मैंने इसी को डिफाइन किया कि वो और बाकी कोई भी सर्विस आपका एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ WWW का सर्विस और डेस्टिनेशन अगर यही है तो इसी को एक्सेस कर सकता है। तीसरी स्टेटमेंट में बाकी IP के लिए जितने भी यूजर है उनके लिए मैंने सारे चीज़ जो है अप्लाई कर दिया और ये SCL हमारा ऑलरेडी अप्लाइड है। तो यहाँ से दूसरी वाला जो डिवाइस आपके पास है ना, यहाँ से एक बार हम क्या करते हैं 20.10 को पिंग करके देखते हैं। आपका आर्क के वजह से फास्ट पैकेट आपका ड्रॉप आता है। परमिट एनी तो है, 20.0.20 था ना, ओके 20 था ना, तो यहाँ पे स्टेटमेंट भी मेरा गलत हो गया होगा। ठीक है, हम नेम SCL यूज कर रहे हैं ना, तो इस केस में हम चेंज भी कर सकते हैं 9-10, और 10 में मैं एंट्री और एक डाल सकता हूँ, परमिट TCP होस्ट 10.0.0.2। अरे ये तो सही था 20.2 भाई, मैंने बेकार में हटा दिया, EQ 80। ठीक है, सेम स्टेटमेंट हमने डाल दी, तो आप देखो यहाँ से आपका कम्युनिकेशन हो रहा है। इसी डिवाइस से अगर आप जाओगे ना, तो इसके लिए हमने रूल लिखा था, यहाँ से मैं अगर पिंग करता हूँ 20.0.0.20,
अब देखो डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है, और इसको हमने सिर्फ HTTP सर्विस के लिए हमने अलाउ किया है, ठीक है। और 20.10 पे 20.20 पे हमने क्या कॉन्फ़िगर करके रखा है, abc.com। एक बार abc.com खोल के देखते हैं। अब देखो abc.com अगर मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ये खोल नहीं रहा है। हमने तो HTTP एनेबल कर दी, फिर भी abc.com क्यों नहीं खोल रहा है, कोई बता सकता है? परमिट डिनाय क्या क्या? आपका आवाज पूरा ब्रेक हो गया, मेरे को थोड़ा भी सुनाई नहीं दिया। ठीक है, मैं बता देता हूं। अब देखो ये वाला जो स्टेटमेंट हमने लिखा था ना, ये स्टेटमेंट में आप देखो, हमने होस्ट को परमिट किया है HTTP सर्विस के लिए, लेकिन यहां पे हम एक्सेस जो कर रहे हैं ना, ये एक्सेस हम एक डोमेन नेम को कर रहे हैं, और डोमेन नेम को एक्सेस कर अगर आप किसी भी ब्राउजर से करते हो ना, तो उस केस में सबसे पहले आपका DNS रिजोल्यूशन होता है, और DNS रिजोल्यूशन के लिए सबसे पहले इसके लिए इसने 53 पोर्ट के साथ आपका डेटा जो है आगे भेजा होगा DNS का क्वेरी, तो वो ट्रैफिक तो आपका डिनाई है ना, क्योंकि हमने सिर्फ परमिट किसको करके रखा है, हमने HTTP को करके रखा है। तो यहाँ पे अगर मैं ये काम करता हूँ, होस्ट नेम अनरिजर्व्ड इसने दिखा दिया, तो अनरिजर्व का मतलब आपका यही है कि ये जो DNS आपका रिजर्व नहीं है, होगा भी कैसे, हमने तो डिनाई करके रखा है। तो इसमें हम काम करते हैं, डायरेक्ट अगर मैं यहाँ पे IP डाल देता हूँ ना, अब देखो ये एक्सेस हो गया आपका, क्योंकि हमने सिर्फ HTTP को मतलब अलाउ करके रखा है इस डिवाइस के लिए, लेकिन DNS को हमने अलाउ करके नहीं रखा है, इसीलिए आपका जो है HTTP आपका एक्सेस हो गया। और ये IP से हम जब पिंग कर रहे थे ना, आप किसको पिंग कर रहे थे, आप 20.10 को जब आप पिंग कर रहे थे, 20.20 को आपका पिंग नहीं हो रहा था, लेकिन हम 20.2 को पिंग करके एक बार देखते हैं। अच्छा, इसके लिए भी हमने सेट करके रखा था ना, कि दूसरी वाले स्टेटमेंट हमने रखा था कि ये किसी दूसरे को अलाउ जो है परमिट ना कर पाए, एक्सेस ना कर पाए। तो एक काम करते हैं हम, अभी 920 कर लेते हैं, फिर देखते हैं दूसरे से आपका हो रहा है। अभी के लिए अगर मैं 20.20 को भी पिंग करूंगा तो पिंग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके लिए कोई डिनाई नहीं है। तो एक काम करते हैं हम 20 पे फिर से एक चेंज कर लेते हैं, हम डिनाई कर देते हैं TCP होस्ट हम रख लेते हैं 10.0.0.2 को, और उसके बाद हम डेस्टिनेशन जो है ना एनी रहेगा, हेलो। हाँ भाई, आपका लेटर कल आया। अच्छा एक सेकेंड,